सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नूप आपका स्वागत करता हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल गेमिंग हेल्प ट्रिक्स पे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं फ्री फायर गेम के हर एक टॉपिक अपलोड करता हूँ, जैसे अपडेट, न्यूज़ अपडेट, इवेंट अपडेट, लैग फिक्स, हर एक टॉपिक अपलोड करता हूँ। अगर आप एक फ्री फायर के प्लेयर है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड आपको ये वीडियो बिल्कुल ही अच्छी लगी रहेगी, आपको आशा है बिल्कुल ही अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी रहेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है क्या कर रहे हो भाई, लाइक करके बेल आइकन दबा दे सब्सक्राइब करके। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, तभी ये ट्रिक वर्क करने वाली है। अभी हम बात करने वाले हैं, फ्री फायर का जो है इवेंट आ चुका है, मतलब कि अपडेट आ चुका है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा है फ्री फायर। ऑटो बैक्स हो रहे हैं 1, 2 और 3 GB रैम के फ़ोन में, तो वो सभी कैसे फिक्स करें, इसके लिए मैं आपको देने वाला हूँ एक कॉन्फिग फाइल एंड कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आप वो यूज करने से आपके सारे इशू फिक्स हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। आपके भाई से जुड़े रहे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम टिप्स बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो है टिप नंबर फर्स्ट है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर यूज करना है, तभी आपका गेम जो है ऑटो बैक लैग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको टिप नंबर फर्स्ट है, गेम खेलने से पहले रीस्टार्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हो, गेम खेलने से पहले आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट ज़रूर से ज़रूर कर लेना। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अभी आप बोलोगे इससे क्या होता है, तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है, आप गेम खेलने वाले हो तभी आपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लिया, यानी कि रिबूट कर लिया, तो इससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं चलेगा एंड आप फिर फ्री फायर ही ओपन करोगे एंड आपका कोई भी लैग ऑटो बैक जो है नहीं आते। एंड टिप नंबर टू है फ्रेंड्स, आप अपने स्टोरेज को ज़्यादा से ज़्यादा खाली करके रखे। फ्रेंड्स, आप अपने स्टोरेज को ज़्यादा से ज़्यादा खाली स्पेस रखेंगे, आपको कोई भी जो है लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड टिप नंबर थर्ड फ्रेंड्स, नोटिफिकेशंस एंड कॉल्स जो रहते हैं, आपको नोटिफिकेशंस आते हैं एंड कॉल आते हैं, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लैग होता है एंड ऑटो बैक हो जाता है हमारा। आपको जरूर से ज़रूर नोटिफिकेशन को बंद कर लेना है। और नोटिफिकेशन कैसे बंद करते हैं वो सभी भाइयों को मालूम है, ऐप्स मैनेजर के अंदर जाके नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दे। अगर नहीं मालूम रहेगा तो अगली वीडियो में कमेंट कर देना, जरूर से ज़रूर बता दूंगा। एंड आपको फ्रेंड्स, फोर्थ टिप नंबर ये है, एंड आपको कॉन्फिग फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। अगर आप पेस्ट करना नहीं जानते रहेंगे तो बता दूंगा, अगर आपने फाइल को नहीं डाउनलोड कर पाया, जो कॉन्फिग फाइल दी है मैंने वो अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो, तो लिंक के डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही पहला वीडियो है, जो आप वो जाके देख लोगे तो आप कॉन्फिग को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, कॉन्फिग को डाउनलोड कर लेना वहाँ पे जाके। एंड आपको वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी अच्छी ट्रिक देने वाला हूँ एंड कॉन्फिग देने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपका 100% लैग फिक्स हो जाएगा एंड 50% ऑटो बैक हो जाएगा। एंड आपको टिप से ज़रूर यूज़ करना है। एंड फ्रेंड्स, एक टिप और रह चुका है, जो कि आपको कॉन्फिग फाइल यूज करना है एंड आपको ये वाली कॉन्फिग दे रखा है, इसको जाके डाउनलोड कर लेना है। आपको फोर्थ टिप यही है, आपको इस पर करना है एक्सट्रैक्ट हियर। जब एक्सट्रैक्ट हियर करोगे तो आपको एक com.dta.freefire निकल जाएगी एंड आपको क्या करना है, चले जाना है अपने डिवाइस के मेमोरी में, इंटरनल के मेमोरी में एंड एंड्रॉयड में चले जाना है। फ्रेंड्स, एंड्रॉयड के अंदर डाटा के अंदर चले जाना है, डाटा के अंदर जाके आपको com.dta.freefire को ढूंढना है, इसके अंदर जाके फाइल्स के अंदर जाके एंड कॉन्टेंट एच के अंदर जाके आपको ऑप्शनल वाली फाइल को निकाल लेना है। फ्रेंड्स, ऑप्शनल वाली फाइल को निकाल लेते हैं यहाँ से, ऑप्शनल वाली फाइल को यहाँ से कर लेते हैं कट। कट करके फ्रेंड्स आपको जाना है बैक इंटरनल मेमोरी में, जैसे कि डिवाइस मेमोरी में चले जाता हूँ। डिवाइस मेमोरी में जाने के बाद आपको जाना है जिधर आपने कॉन्फिग फाइल डाउनलोड की है, डाउनलोड के अंदर com.dta.freefire फाइल्स के अंदर एंड आपको कॉन्टेंट एच के अंदर जाके इधर ही फाइल को कर देना है
पेस्ट, इधर जाके आप पेस्ट कर देना एंड आपको com.dts.freefire फाइल को उधर करना है, एंड्रॉयड के अंदर जाके डाटा के अंदर जाके कर देना है पेस्ट। मैंने नहीं किया है बट आपको वो कॉन्फिग ऑप्शनल वाला फोल्डर डाल के com.dts.freefire फोल्डर को आपको पेस्ट कर देना है एंड्रॉयड के डाटा के फोल्डर में, जो जरूर से जरूर जाके कर देना। एंड आपको रिस्टार्ट जरूर से जरूर अपने फ़ोन को कर लेना है एक बार। एंड आपको वीडियो नहीं समझ में आई थोड़ी सी जो अभी मैंने बताया तो आप एक बार पीछे करके देख सकते हो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।